गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और एक और शिक्षक भर्ती जो है बहुत जल्द आने वाली है, उसके बारे में पूरी खबर देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में भरे जाएंगे शिक्षकों के 36,402 पद। तो ये भर्ती जो है बहुत ही जल्द आने वाली है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मांगा है अध्याचन, लोक सेवा आयोग में अटकी हैं भर्तियां और पदोन्नतियां। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राजकीय विद्यालयों की स्थिति जो है, यहां पदनाम दिया हुआ है। प्रधानाचार्य के स्वीकृत पद 798, जिसमें से 90 लोग कार्यरत हैं और 708 पद रिक्त हैं। तो इससे प्रधानाध्यापक का भी जो है 1548 स्वीकृत पद हैं, 1329 लोग कार्यरत हैं, 219 रिक्त पद हैं। प्रवक्ता के लिए देख सकते हैं 8458 पद जो है स्वीकृत हैं, 3150 लोग जो है कार्यरत हैं और 5308 लोग जो है रिक्त है ये पद जो है। सहायक अध्यापक के लिए देख सकते हैं आप 18297 पद हैं टोटल, जिसमें से 7051 लोग जो है कार्यरत हैं और 11246 पद जो है रिक्त हैं। तो इस वर्ष मिलेंगे 10,768 सहायक अध्यापक की, तो ये LT की बात है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सहायता प्राप्त विद्यालयों में नहीं बचेंगे रिक्त पद, यानी जितने भी पद खाली हैं उन सब पदों पर जो है भर्तियाँ निकलेंगी। सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थिति यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, जितने भी पद खाली हैं। तो थोड़ी खबर पढ़ लेते हैं इसमें। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्षों से खाली पड़े शिक्षकों के 36,402 पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरने की कवायद जो शुरू कर दी है। इनमें से राजकीय विद्यालयों में 17,481 जबकि सहायता प्राप्त स्कूलों में 18,921 पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लंबित भर्ती और पदोन्नति जल्द करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने राजकीय स्कूलों में प्रधानाचार्यों के रिक्त 708 पदों में से 352 पद जो है भर्ती का अध्याचन 2018 में आयोग को भेजा था। इनमें से 269 पदों के लिए अध्याचन इसी 11 जून को भेजा गया, जबकि पदोन्नति वाले 356 पदों का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। विभाग ने प्रधानाध्यापक के 219 पदों को 29 जून तक भरने का आश्वासन सरकार को दिया है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे को विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रवक्ता के 56 और सहायक अध्यापकों के साथ 478 पदों पर भर्ती के लिए भी आयोग को अध्याचन भेज दिया है। तो देख सकते हैं, सभी पद जितने भी पद यहां पर दिखाए गए हैं सभी के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है और जल्द से जल्द जैसे ही प्राप्त होगा उनको जानकारी पूरे पद के लिए, तो उसके बाद ये भर्तियाँ निकलेंगी। तो 36,402 पद पर निकलेंगी, अब बहुत जल्द निकलेंगी, हो सकता है दो महीने रख सकते हैं कम से कम। तो ये खबर आप लोग के लिए थी।